हेलो फ्रेंड्स, कुक विथ रेनू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू और गोभी की सूखी सब्जी। बहुत ही कम तेल मसालों में हम बनाएंगे आलू और गोभी की सूखी सब्जी। बनाने के लिए मैंने आधा केजी गोभी को ऐसे काट धो के काट लिए हैं और दो मीडियम साइज के आलू को इस शेप में काट के रखे हुए हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने गैस में कढ़ाई पहले से गर्म कर लिया है, तो इसमें हम 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमारा तेल गर्म हो गया, तो इसमें जीरा डालेंगे। हमारा जीरा चटकने लग गया है, तो इसमें धीरे धीरे आलू डाल के 2 मिनट तक भूनेंगे। मैं बिना प्याज लहसुन के ये बना रही हूँ सूखी सब्जी। आप चाहे रोटी और चावल के साथ खा सकते हैं, बड़ी टेस्टी सब्जी बनती है। देखिए, हमारा आलू भून गया है, तो इसमें मैं गोभी कटे हुए गोभी डाल दूंगी और इसको भी हमको भूनना है। देखिए, हमारी गोभी और आलू थोड़ी भून गई है, तो इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, और फिर इसको भूनना है, एकदम सूखा ही भूनना है इसको। मैं चारों तरफ से इसको मिक्स कर दी हूँ और इसको फिर 5 से 10 मिनट तक भूनूंगा। देखिए, हमारी सब्जी थोड़ा भून गई है, तो इसमें मैं टमाटर डालूंगी। मैंने टमाटर ऑप्शनल पे रखा है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। और इसको मिक्स कर देंगे। मैंने रेड चिली पाउडर डाला नहीं है, इसको हम बाद में डालेंगे ताकि हमारी सब्जी अच्छे से पक जाए। अगर हम रेड चिली पाउडर डाल देंगे तो हमारी सब्जी पकेगी नहीं, ठीक से कच्ची रह जाएगी, इसीलिए मैंने बाद में डालूंगी सब्जी में। देखिए, हमारी सब्जी अच्छे से भून गई है, तो इसमें मैं रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और करी पाउडर डालूंगी। आप कोई भी ब्रांड का करी पाउडर ले सकते हैं। और इसको मिक्स करके हमको ढक के और 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो मैं इसको ढक्कन से कवर कर देती हूँ और 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे। हम ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारी आलू और गोभी की सब्जी पूरी तरह से बनके तैयार हो गई है, पूरा गर्मा गर्म अच्छे से पक गई है। तो मैंने इसमें धनिया पत्ता डाल दिया है और गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट पे सर्व करती हूँ। हमारा ये गोभी आलू अच्छे से पक चुका है, देख सकते हैं आप, कच्चा नहीं है, पक गया है। तो इसको मैं प्लेट पर निकालती हूँ। देखिए, हमारी आलू गोभी की सब्जी पूरी तरह से बनके तैयार हो गई, सूखी, बहुत ही कम तेल मसालों में बनके तैयार हुई है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू। देखिए, परफेक्ट तरीके से आलू और गोभी की सूखी सब्जी बनके तैयार हो गई है।